अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिले के भंटापुर पंचायत में और चुनाव की जो सरगर्मी है काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि सिवान सदर प्रखंड में जो चुनाव होना है 29 तारीख को होना है, जिसको लेकर प्रत्याशियों में काफी होड़ मची हुई है अपने चुनाव प्रचार को लेकर के, और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। तो दौरा करने के क्रम में ही आज हम मिले भंटा पोखर पंचायत से एक महिला प्रत्याशी हैं, मुखिया की चंदा देवी, और उनके प्रतिनिधि हैं हंसनाथ राम जी। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पंचायत चुनाव में आने के पीछे इन लोगों का क्या उद्देश्य है और किस सोच के साथ ये पंचायत चुनाव में आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भंटा पोखर पंचायत के तमाम मतदाताओं, नागरिकों के साथ साथ समाज के तमाम लोगों को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह पंचायत चुनाव एक तो हमारा अनुसूचित महिला सीट है, और इस महिला सीट होने के नाते पंचायत के लोगों की तरफ से डिमांड आया या पूरा हुई, तो डिमांड के मुताबिक हम लोगों ने हम अपनी पत्नी को खड़ा कराया। दरअसल 1947 में देश आज़ाद हुआ, 74 बरस करीब हो गया, और 5 वर्षों पर वोट हम लोग देते आए हैं, एमपी का, एमएलए का, मुखिया का, सरपंच का, दीदी का। लेकिन जो समाज का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, जमीन पर खड़ा होकर देखिएगा तो उसका विकास होना चाहिए। अभी जिस बस्ती में हम हैं चकरा कॉलोनी के नाम से, तमाम पदाधिकारियों के पास लिखित कंप्लेंट दे दिया गया है, और हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी झंडा फहराने के लिए आते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ रास्ता जा पा। साथ ही साथ हम महसूस किए कि जितने भी प्रतिनिधि चुनाव में उतरे हुए हैं उस समाज को विकास कराने का उनका नियत नहीं है, गांव और जनता का भलाई और विकास कराने का उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है लूटने का। लेकिन मेरे जहाँ तक बात है कि मैं 1990 से समाज के जो उपेक्षित लोग हैं, गरीब, कमजोर, निसहाय, दलित, मध्यम वर्ग, धनी, किसान, जो भी हो, जहाँ कहीं भी इस तरह का जुल्म अत्याचार हो रहा है, उन सबके विकास के लिए मैं संघर्ष करता हूँ। जिले के तमाम ब्लॉकों में, तमाम जगहों पर जनता के सवालों पर संघर्ष कर चुका है, कर भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पंचायत का मान सम्मान कैसे बढ़े, विकास कैसे बढ़े, इसके लिए इस पंचायत चुनाव में हम उतरे हैं। जब हम आपके गांव में गए, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, वहां पे हमने कम से कम 500 लोगों से पूछा, हमको ये मालूम चला कि मतलब जो सरकार की योजनाएं हैं, जो लाभ मिलना चाहिए, जो उसके हकदार हैं, उनको मिलता ही नहीं है। न किसी के पास शौचालय का पैसा पहुंचा, न किसी के पास प्रधानमंत्री आवास का पैसा पहुंचा, जो भी नल जल का एक टोटी तक नहीं लगा, पाइप तक नहीं गया है आपके कॉलोनी में, इसके लिए आप कितना आवाज़ उठाए हैं? विकास की जो लिस्ट है, रिकॉर्ड के हिसाब से तो पूरा पंचायत के अंदर मैंने कहा जाए तो विकास हो चुका है, लेकिन धरातल पर जीरो है। जैसे आप खुदे गए थे हमारे गांव में, तो क्या हालात है रास्ता के बारे में पूरा जवाब जानता है। बात हो रहा है कि पूरा पंचायत जगजगा रहा है, रोशनी से एकदम चकमक है, व्यवहार में आप देख लीजिए जाकर के कितना चकमक है। नल जल वाला मामला है तो उसका भी हालत देख लीजिए। कुल मिलाकर के बात तो हम भूल देते हैं मंच पर, जो भी हमारे जीते हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन जमीन पर वैसा नहीं कुछ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि प्रत्याशी बनने के पहले भी, प्रत्याशी बनने के बाद भी, आने वाला दिन में जनता की तमाम सवालों पर हम संघर्ष करते आए हैं और करेंगे मजबूती के साथ। अगर हमको जनता मौका दे देती है तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो सवाल है, जनता की जो राशन, किराशन, पेंशन, आवास या जो भी सवाल समस्या है जनता के लिए, उसका मजबूती से हम सदन के भीतर, प्रखंड का अंदर हो, जिले के अंदर हो,
आवश्यकता के मुताबिक विधानसभा के भीतर भी सवाल भिजवाने का मामला हो, जनता के सवालों को हल करने के लिए जितना जहां तक हमको करना होगा हम उसके लिए तत्पर हैं और करेंगे। जब हम प्रखंड कार्यालय की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा प्रखंड कार्यालय नहीं है जहां पे बिना घूस दिए हो कोई काम होता हो। निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, आवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, या आपको राशन कार्ड का फॉर्म भरना हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना हो, सब में दलाली पहले लगती है, घूस पहले लगती है। यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी जब तक कमीशन नहीं देते हैं तब तक उनको कोई सरकारी फंड नहीं मिलता। इन सारी चीजों से आप कैसे मतलब मिलते हैं? जो आप सवाल समस्या उठा रहे हैं व्यवहार के क्षेत्र में हम लोग महसूस कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारी ईमानदारी की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, और डेढ़ डेढ़ पर जो है कमीशन घूस का बात चल रहा है। हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर ऐसे कमीशन और घूस के खिलाफ हम लड़ेंगे, अकेले नहीं लड़ेंगे, पूरी पंचायत की जनता के साथ लेकर के हम लड़ेंगे, जरूरत के हिसाब से और लोगों को लेकर के हम लड़ेंगे। लेकिन हम कभी भी नजायज न करेंगे न करने देंगे। जहाँ तक संघर्ष करना होगा, जिस रूप में संघर्ष करना होगा, उसके लिए हम तत्पर हैं। हम उसके लिए इस दिशा में बात को आगे बढ़ाएंगे जनता के माध्यम से। इसीलिए जो कमीशन का बात है, घूस का बात है, वो इंच इंच पर है, डेग डेग पर है, टेबल टेबल पर है। इसीलिए टकराना है, लड़ना है, कि हम पहले भी जान चुके हैं। इसीलिए निश्चित तौर पर ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चुनौती है, और निश्चित तौर पर आने वाला दिन में पूरे जिले के लेवल पर, पूरे प्रखंड के लेवल पर अंतापुखर पंचायत एक मॉडल बनेगा। इस दिशा में हमको ले जाने की कोशिश है। अंत में आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पंचायत की जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि जितने भी प्रत्याशी खड़ा है उनके बारे में भी आप अध्ययन मंथन कर लीजिए, हमारे बारे में भी अध्ययन मंथन कर लीजिए। मैं 30 वर्षों से समाज के सेवा में लगा हुआ है, निस्वार्थ भावना से, कहीं से कोई लालच और प्रलोभन नहीं है। अगर कोई लालच प्रलोभन रहता तो मैं भी आलिशान इमारत बना लेता, जमीन किन लेता, फ्लैट किन लेता। लेकिन हम नून रोटी खाते हैं, चोखा रोटी खाते हैं, लेकिन झोपड़ी में गरीबों के बीच जिंदगी बिताते हैं। आने वाला दिन में हम जनता से अपील करेंगे कि निश्चित तौर पर रिकॉर्ड मतों से पंचायत के प्रत्याशी हमारे पत्नी चंदा देवी है, मोतियों के माला पर मैंने वोट दे करके, मत दे करके विजयी बनावे। आने वाला दिन आपका मैंने कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे, और जो भी जनता का सवाल होगा उसको लेकर के मजबूती से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा, हम यहाँ के जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं उनसे बात किए और उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आशा विश्वास दिलाया है कि जब इनको पंचायत की जनता चुन करके मुखिया बनाएगी तो ये लोग पंचायत के विकास का कार्य करेंगे। हम भी इनसे यही आशा और कामना रखते हैं। धन्यवाद। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान।